गाइस नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पोर्टल पर अगर न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ये बात जानना जरूरी है, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। ओके, तो मैं जो बात बता रहा हूं उसे भी केयरफुली सुनिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर अगर आप न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर वो वहाँ पर कुछ प्रोसेस है, किसी किसी किसान का जो है वहाँ पर पैसा स्टॉप हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सीएससी वाली और सेल्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दो गलती कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, इस कारण उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो पूरा इस वीडियो को देखते रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं आया तो चैनल को लोग सब्सक्राइब, और बाद में अगर बेल आइकन पर लाइक कर देते किस तरीके की वीडियो करने कोशिश मिलता है गाइस, अगर आप थोड़ा एक लाइक कर देते हमें सपोर्ट मिलता है और वीडियो बनाने में। ओके, तो अभी बात करते हैं सीधे पॉइंट पे। सिंपली गाइस आपको आना है पीएम किसान पोर्टल पे, यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मर कॉर्नर पे आना है, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आप करते हो, यहाँ पर बहुत सारे वीएलिस और सीएससी वीएलिस और जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन क्या करें मैं आपको बताऊँ, सीएससी वीएलिस क्या करें मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, बाद में सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँगा। ओके, अगर आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर जाते हो और वहाँ पर आपको बोलते हो यार मुझे जो है न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि सालाना का 6,000 रुपये मोदी सरकार जो गवर्नमेंट देती है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है बताएं, सीएससी वीएलिस कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर बैंक अकाउंट जो है उनका ऐड कर रहे हैं, इस कारण जो है वहाँ से पैसा जो आपका ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ जो पैसा आता है वो वहाँ से जो है स्टॉप कर दिया जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर, ये जो है गवर्नमेंट क्या करता है, सिंपली जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई कर, जिस आपने जो फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पे जो अकाउंट नेम दिया था, आधार कार्ड दिया था, उसे वेरीफाई करता है ऊपर से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट की तरफ से, वहाँ पर जो पैसा आता है वहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट से, अगर कोई पैसा आता है तो उसे वेरीफाई किया जाता है कि किस बैंक अकाउंट में जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, वरना पैसा जो किसी गलत अकाउंट में जा रहा है, किसी अदर पर्सन के अकाउंट में अगर पैसा जा रहा है तो ऊपर से गवर्नमेंट जो उसे स्टॉप कर देता है। इसी तरीके से रीज़न आ रहा है हमारे कुछ न्यू फॉर्मर के साथ, ओके, उनका जो स्टॉप हो जा रहा है, तो उनको भी उनके बारे में मैंने एक वीडियो बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सलूशन बताया था कि अगर आपका पेमेंट स्टॉप आ रहा है तो उसके लिए क्या करें, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो छोड़ दूंगा। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं किया तो सिंपली क्या करना है, आपको देखना है कि वीएलिस जो सीएससी वीएलिस वहाँ पर किसका अकाउंट नंबर डालते हैं, सही से जानकारी लीजिए कि अकाउंट नंबर किसका डाल रहा है, क्या कर रहा है। ओके, तो इसकी सही जानकारी लेके ही आप उसे रजिस्ट्रेशन कीजिए, अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो उसके लिए कुछ नहीं। सिंपली मैंने और एक वीडियो बनाया था जो कि न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके बारे में और एक वीडियो बनाया था, अगर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आपको क्या कर रहा है, आईएफएससी कोड आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आप जिस फॉर्मर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ओके, तो उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ओके, बैंक अकाउंट होना जरूरी है, वरना उसके साथ जो है आधार लिंक भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट अगर किसी अदर पर्सन का आ जाता है तो आधार कार्ड से वो पैसा आपके जो अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक है उसी अकाउंट में पैसा जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, आपको किसी अदर का अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी अकाउंट नंबर ऊपर नहीं डालना है, वरना आपका पैसा ऊपर से पेमेंट आना स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली किसी अदर पर्सन का, अदर पर्सन का मतलब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, ओपन कर लेना है। ओके, इसमें टाइम लग सकता है, टाइम लगने के बाद आपको 10-12 दिन के बाद अगर अकाउंट ओपन हो जाने के बाद फॉर्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये कभी क्लोज नहीं होगा क्योंकि हमेशा रहेगा ये फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। ओके, आपका जैसे बैंक अकाउंट अगर ओपन जाता है सिंपली अकाउंट नंबर डाल के आपका जो है सबमिट कर देना है, वहाँ पर जो है आपका करीब वहाँ से जो है अप्रूवल स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर अप्रूवल लेने में करीब 10 दिन लगते हैं, 10 दिन में आपका जो है अप्रूवल हो जाता है और बाद में आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। गाइस इस तरीके से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी अदर पर्सन का अकाउंट नंबर नहीं डालना है, ओके, आपके रिलेटिव या कोई और सीएससी वाले इसको भी मैं बताता हूँ, किसी भाई अपना अकाउंट नंबर मत डालो, फॉर्मर का ही अकाउंट नंबर डालो, क्योंकि पैसा तो नहीं आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट दे रहा है पैसा वो सिर्फ फॉर्मर को दे रहा है, अगर आप लोगों तो वहाँ पर पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका भी नुकसान उनका भी नुकसान, इसलिए उनका ही वो जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए और उनका ही अकाउंट नंबर डालिए। अगर कोई आपको चार्जेस लेना है तो करीब 50 से 100 रुपीज़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग है। ओके, अभी बात करते गाइस, अभी दिखाता हूँ मैं आपको रजिस्ट्रेशन जो किया था, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप किसी अदर पर्सन का अकाउंट नंबर डाल देते हो तो यहाँ पर इस तरीके का एरर शो होता है, देख लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप्ड बाय, ओके, किसी अदर पर्सन का अकाउंट नंबर डालते हो, और बाद में अगर आपको करेक्शंस कराना है तो यहाँ पर करेक्शंस का यहाँ पर बोलता है पेंडिंग इज स्टेट, ये करेक्शंस नहीं होता, आपको जाना पड़ता है तहसील में करेक्शंस अकाउंट नंबर करने के लिए, तहसील में या कृषि अधिकारी के पास आपको जाना पड़ता है, वहाँ से आपका करेक्शंस हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोई जानकारी मिली हमारी उस वीडियो को तो नीचे कमेंट बॉक्स कीजिए और लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।